जय माता दी। हर हर महादेव। भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की जय हो। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा मंत्र, भोग, आरती और व्रत कथा। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म होता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा मंत्र, कथा, आरती, भोग। इसलिए कहलाई स्कंद माता। नवरात्रि की पांचवी देवी को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धगिनी के रूप में मां के स्वामिनी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिक का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो कि प्रेम और वात्सल की मूर्ति हैं। मां स्कंद माता का स्वरूप। मां स्कंद माता चार भुजाएं वाली देवी हैं, जो कि स्वामी कार्तिक को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। मां के दोनों हाथों में कमल शोभायान है। इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित पंच आवरणों में समाहित विभावहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। मां के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। स्कंद माता भोग। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी मां के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए मां को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। पीले रंग का महत्व। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां का श्रृंगार पीले फूल से करें और मां को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में दर्शन करके मां हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। मां स्कंद माता का पूजा मंत्र। सिंहासनागता नेत्र पदम ही सरकत्वा शुभतास्तु सदा देवी स्कंद माता यश सुमानी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपिंडे संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मां स्कंद माता की पूजा विधि। मां स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से मां का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची
अक्षत्र धूप दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ का आप पर कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। स्कंद माता की व्रत कथा। स्कंद माता की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिक का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रक्षित करते हुए तो स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युक्त प्रक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचों नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योति जलाती रहूं मैं, हर दम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुड़ गाए तेरे भगत है प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इधर आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, देवदत्त सब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन व्यास पूरा पुजारे न आई। जय स्कंद माता, बोली स्कंद माता की जय।